दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कैसे हमें अपने किंग लाइफ टोकन को बाय कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे लोग ने मुझे इसके बारे में बातचीत किया था और कमेंट भी किया था, तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईडी लॉगिन करने की बात जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगी तो आपको एक प्राइवेट सेल की ऑप्शन आएगी, तो फर्स्ट कॉलम जो है प्राइवेट सेल में आपको क्लिक करना होगी। जैसे ही क्लिक करोगी तो इसका रेट दिखाई दे रहा है, USDT TRC20 में हम लोग बाय करेंगे, तो इसमें मैंने $10 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आया मैं नॉट ए अमेरिकन रेसिडेंट, इसमें क्लिक करना और उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें भी क्लिक करना। उसके बाद क्लिक बाय, क्लिक टू बाय, आपको 1 लाख टोकन मिल रहा है अभी $10 में। इस चीज़ को भी ध्यान रखना दोस्तों, तो काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं ही बाय नाउ क्लिक पे क्लिक किया तो हमारा पास एक स्कैनर और एक जो हमारा एड्रेस है ये एड्रेस आ चुके हैं। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं बाइनेंस से कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाइनेंस से फंड पड़ा हुआ है। मैं फंडिंग वॉलेट में जाऊँगा। वॉलेट में जाने के बाद, फंडिंग वॉलेट के बाद जाने के बाद USDT पे मैं क्लिक करूँगा, सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, इस पर क्लिक करूँगा। करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो एड्रेस हमने कॉपी किया उसको पेस्ट करूँगा। करने के बाद इसमें हमें नेटवर्क को सेलेक्ट करना पड़ेगी, तो नेटवर्क में हमें TRC20 होना चाहिए। आप लोग ध्यान से इसको मिला के देख लेना एक बार। TRC20 जैसे हुआ तो मैं इसे TRC20 को एक बार कन्फर्म कर देता हूँ। उसके बाद हमें कितना बाय करना है, मैं 11 USDT इसमें सेंड करने वाला हूँ और हमें 10.2 USDT रिसीव होने वाला है विड्रॉल पे। वही वो इसका चार्ज लगता है, तो काफ़ी कम चार्ज भी है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद आपको विड्रॉल की ऑप्शन में प्रोसीड होगा। उस टाइम इसमें आपको कुछ चीज़ दिखाई देगा, ऑथोराइजेशन कोड होगा, उसके बाद हमें मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन जो है, हमें बाइनेंस की जो मोबाइल नंबर आपने किया है उसमें भी कोड जाएगी। तो मेरे पास कोड आ चुके हैं, मैं मोबाइल नंबर की जो भी कोड है इसमें डाल देता हूँ। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड, क्योंकि मेरा सभी सिक्योरिटी लगा हुआ है, क्योंकि कोई बंदा आसानी से मेरे से कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तीनों सिक्योरिटी के लगा के रखा हूँ। मोबाइल नंबर हो, चाहे गूगल ऑथेंटिकेट हो, चाहे ईमेल आईडी की जो भी कोड है। तो मेरे जो भी ईमेल आईडी पे कोड है मैं उसको एक बार देख लेता हूँ, और उसके बाद जो ईमेल की कोड है इसमें आपको ईमेल की कोड को भी फिलअप करना होगा। तो ये सारे के सारे चीज़ आप ध्यान से करना, क्योंकि ये ध्यान से करोगी तभी आपको बहुत ही अच्छे से वर्क हो जाएगी। तो मेरा जो ईमेल की कोड है मैं इसको भी फिलअप कर देता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, गूगल ऑथेंटिकेशन कोड जो है वो 30 सेकेंड ही काम करता है। देखिए, तो मेरे को दोबारा फिर गूगल ऑथेंटिकेट लेना होगा, क्योंकि कुछ टाइम मेरे को ज़्यादा लग गया। तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक कोड चलती है गूगल ऑथेंटिकेट पे, तो ऑथेंटिकेशन में मैं दोबारा कोड उसको डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं एक बार सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारा विड्रॉल प्रोसेसिंग में रहेगा। तो विड्रॉल एक कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग में रहेगा, उसके बाद आप लोगों को इसमें देखना होगा, इसमें जो हमारा वेबसाइट है दांग किंग लाइफ की, तो इसमें मेक ए पेमेंट विद इन 20 मिनट्स एंड वेट 5 to 10 मिनट आफ्टर सेंडिंग पेमेंट। आप जैसे ही पेमेंट सेंड करोगे उसके बाद 5 से 10 मिनट आप वेट करिए। After sending payment, do not cancel other word sending payment। तो after बोल रहे हैं जी, इसमें cancel आपको नहीं करना होगा। तो आप 5 से 10 मिनट आप थोड़ा सा wait कर लीजिए। Wait करने के बाद दोस्तों जो refresh बटन है उसमें आपको क्लिक करना होगा। तो मैं एक बार refresh पे क्लिक करता हूँ। जैसे refresh में क्लिक किया तो well done, your transaction for is successfully। तो इस बार मेरे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, तो मैं उसी आईडी को एक बार होम पे जाऊंगा। जाने के बाद देखिए 1,02,000 टोकन हमें मिल गया, $10.202 जो था हमें तो उसमें मिल गया। तो इस बार 3 डॉट पे आप क्लिक करोगी, क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देगा
जो प्राइवेट सेल है, प्राइवेट सेल के अंदर हिस्ट्री में हमें वो चीज दिखाई देगा। तो मैं एक बार डैशबोर्ड में देख लेता हूँ, इसमें ऐड नहीं होगा तो उसमें मैं जाने पड़ेगा प्राइवेट सेल के ऑप्शन के बाद हमें प्राइवेट सेल हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगी आपको 1,02,000 टोकन हमें नज़र पे आ रहा है। और इसमें जो चीज़ है तो हमें थोड़ा सा उसके स्क्रॉल डाल करना है और इसमें क्लिक करना है। तो देखिए इसके लॉकिंग पीरियड कब बाय किया, 17 तारीख हमने नाइट को बाय किया और कितना दिन तक लॉकिंग रहेगा, 1 साल तक। और आपको मंथली टोकन रिलीज होगा 10,200 टोकन आपको रिलीज होगा। तो इसी तरीके दोस्तों जिसको भी ज़रूरत है, ये काफ़ी वाइटफुल चीज़ है और काफ़ी महत्वपूर्ण टोकन है, तो आप लोग चाहे तो बाय कर सकता है। साथ में आप लोग लाइफ स्टाइल चेंज इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। ओके थैंक्स, गुड बाय एवरीवन।